राजधानी लखनऊ अब दुर्घटनाओं की राजधानी बनती जा रही है। सड़क पर आए दिन दिल दहला देने वाले हादसे हो रहे हैं, लेकिन यातायात व्यवस्था और यातायात को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है वो तो कान में तेल डाले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, जनसंदेश टाइम्स में आपका स्वागत है। एक तरफ राजधानी लखनऊ में बढ़ता अतिक्रमण, दूसरी तरफ बढ़ती गाड़ियों की संख्या और तीसरी तरफ अनियंत्रित तेज रफ्तार से चलते वाहन, ऐसे में सड़कों पर दुर्घटनाएं होना तो स्वाभाविक ही है। यातायात व्यवस्था की बात करें तो उफ, पुलिस चौराहों पर खड़ी यातायात पुलिस को अपने मोबाइल से फुर्सत कहां जो ये देखे कि कौन कितनी रफ्तार से गाड़ी चलाकर जा रहा है। यातायात पुलिस को लेकर मेरा ये गुस्सा कितना जायज है ये जानने के लिए आपको ये खबर देखनी होगी जो हम आपको अब दिखाने और बताने जा रहे हैं। कल लखनऊ के बाजार खाला में बने नए पुल पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो युवक बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए और इस समय ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आपको हम बता दें कि गुरुवार की देर रात मिल एरिया पुलिस चौकी से हैदरगंज तक बनाए गए नए पुल पर एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने स्कूटी सवार दो युवकों को रौंद डाला। स्कूटी में टक्कर मारकर अज्ञात कार का चालक गाड़ी को लेकर हैदरगंज की तरफ मुड़ गया और वो निकल भागने में सफल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया है, जहां दोनों युवकों की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार भरतपुरी भी बाजार खाला के रहने वाले अर्जुन का 27 साल पुत्र राहुल गुरुवार की देर रात यहीं के रहने वाले राम लखन के 24 वर्षीय पुत्र सावंत के साथ अपनी स्कूटी पर सवार होकर हैदरगंज से अपने घर पुल के रास्ते जा रहा था। इससे पहले कि राहुल और सावंत की स्कूटी नए पुल को पार करती, तभी एवरेडी की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार अज्ञात कार ने पुल पर चढ़ने से पहले ही पेट्रोल पंप के पास स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार राहुल और सावंत लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़े और कार का चालक सन्नाटे का फायदा उठाकर हैदरगंज की तरफ कार लेकर भागने में कामयाब हो गया। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि दुर्घटना से मिल एरिया पुलिस चौकी महज 150 मीटर की दूरी पर ही है। इस दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर पुलिस मौके पर पहुंची और नए पुल पर लहूलुहान पड़े राहुल और सावंत को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया। आपको हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयावह हुई होगी। नए पुल पर हुए इस सड़क हादसे में कार की भीषण टक्कर में स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। देर रात पुल पर हुए भीषण सड़क हादसे को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक मजे की बात हम आपको और बता दें कि जिस पुल पर यह भीषण हादसा हुआ है उस पुल का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि उस रास्ते में अव्यवस्थित और सुदृढ़ यातायात को व्यवस्थित और सुदृढ़ किया जा सके, लेकिन जब से ये पुल बना है तब से यहाँ दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। यानी ये पुल अब दुर्घटनाग्रस्त पुल बनकर ही रह गया है। नए पुल पर हादसे की खबर जब हादसे में घायल हुए राहुल और सावंत के मोहल्ले पहुंची तो वहां पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर में भर्ती लोगों में से एक की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। मिल एरिया चौकी इंचार्ज ने बताया कि घायलों की हालत गंभीर है और राहुल सावंत को टक्कर मारने वाला कार चालक मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि मिल एरिया पुलिस चौकी से हैदरगंज तक और हैदरगंज से चौक फूल मंडी तक बनाए गए दो नए ओवरब्रिज पर कई सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। पुलिस अब तक उस कार चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है जिसने राहुल और सावंत की स्कूटी में टक्कर मारी थी। अपने शहर की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।